एक हजार से अधिक रहे हुए मोर देन थाउजेंड इस समय हमने वैसा प्रचार नहीं किया एकादशी के आगमन की सूचना और एकादशी के दिन हम अधिक जब करेंगे ऐसी कोई सूचना नहीं होना भी कारण हो सकता है आज की संख्या एक हजार नहीं हुई है ऐसे पिछले लाश एकादशी को हुई थी <coughs> से एकादशी वैसे कई भक्त रिपोर्ट में भेजे जिन्होंने कल एकादशी मनाए मायापुर एंड ईस्ट इंडिया उड़ीसा बंगाल के भक्त एंड दें और भी कुछ देशों में कल एकादशी संपन्न हुई वह तो वहाँ से कई सारे भक्तों ने दर्जनों डिफोडीज ने आज रिपोर्टिंग किया ये एस वी छंडी फोर राउंड मोर देन सिक्सटी फोर राउंडी फोर से अधिक से मैं, मैंने जब किया और और भी जब आज एकादशी मना रहे हैं वे भी बड़े उत्साह के साथ अपना संकल्प कह रहे हैं लिख रहे हैं जैसे मैंने कहा प्रहलाद प्रहलाद महाराज प्रभु फ्रॉम हिमाचल प्रदेश मैं आज अस्सी आला का जब करूँगा एक माता जी ने लिखा मैंने और मेरे पुत्र ने सिक्सटी फोर चौसठ माला का जप किया एक पिछले एकादशी को मेरा पुत्र चाहता है कि आज भी वह पुत्र चौसठ माला का जप करे महाराज व माता जी लेकिन मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कृपा कीजिए ताकि आज भी वह चौसठ माला का जप करे वायन आट ऐसी कृपा करने के लिए तो हम बैठे हैं हमारी परंपरा में ऐसी कृपा की दृष्टि और वृष्टि होती है ताकि हम अधिक अधिक या सदैव कीर्तनीय सदा हरि करते रहे तो या किसी माता जी आई थिंक इच्चलकर्ण जी से चलकरण जी महाराष्ट्र से हैं उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने हरे नामाष्टकम कंठस्थ किया है आजकल मैं वह हरे नामाष्टकम का पाठ करती है कंठस्थ किया हुआ है यह तो मैं सोच रहा था ये बढ़िया बात है उस नामास् हरे नामाष्टकम में हरि नाम का महिमा गाया है तो आप भी अन्य भक्त भी हरे नामाष्टकम को भी पढ़ सकते हो कंठस्थ कर सकते हो उसका श्रवण और कीर्तन कर सकते हो या yeah, आई थिंक हरे नामाष्टकम को कभी <coughs> <coughs> लोकसंग में पोस्ट कर सकते हैं डू दिस पोस्ट हरे नामाष्ट कम इन और लोक संघ हमारे अर्जुन प्राण कोल्हापुर से विक्र आज वार्ड दिवस आरिज एनिवर्सरी <laughs> है आशीर्वाद दीजिए तो मैं सोच रहा था चैंड सिक्सटी फोर <laughs> पति पत्नी इकट्ठे बैठो और गृह था को वन्य था को सदा हरि बोले दाको भक्ति बेनो ठाकुर कहे आप आश्रम के या बन के ब्रह्मचारी हो या घर के गृहस्थ हो क्या करो सदा हरि बोले ही सदैव हरी नाम करो वदने हरि नाम करो रे जीवन हो भजिले ऋषि के ऐसे भी भक्तिवेन्द्र ठाकुर आगे कहे हैं तो मैरिज एनिवर्सरी के बाद मैरिज एनिवर्सरी के बाद मैनेज मैरिज एनिवर्सरी आ रही है जा रही है लेकिन हो सकता है न भजिले ऋषि के ईशिया अब भी हरि नाम में रुचि नहीं है तो बढ़ाओ रुचि बढ़ाओ जीवन तो ऐसे ही शेष हो रहा है सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम करो रे सुख की स्थिति में दुख की स्थिति में क्या करो वदने हरि नाम मुख से हरि नाम कहो तो आ, आज आपकी या yeah, एनिवर्सरी है या किसी ने कहा हमारा बर्थडे है या नहीं भी है तो वैसे प्रतिदिन और आज के दिन भी जिनके एनिवर्सरी चल रही है बर्थ yeah, so, uh, yeah, एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी हुआ या आई थिंक यदुनंदन आचार्य नासिक से उन्होंने ऐसे नॉर्थ इंडिया में वगैरह कहते रहते आज की आज की शाम प्रभु के नाम या भगवान के नाम कृष्ण के नाम आज की शाम कृष्ण के नाम तो उन्होंने थोड़ा परिवर्तन करके लिखा आज का दिन कृष्ण के नाम तो ये भी अच्छा वचन है स्फूर्तिदायक तो उन्होंने संकल्प किया है आज का दिन मैं बिताऊंगा भगवान के नाम से या भगवान की सेवा में या तो मैं सोच रहा था ये लॉकडाउन टू चल ही रहा है और दुनिया बड़ी दुखी है कि कई की नौकरी चली गई वो बेकार हो गए दे आर अनएम्प्लॉयड अमेरिका में कुछ एक करोड़ से अधिक लोग अनएम्प्लॉयड हो गए नौकरी छूट गई लेकिन तो उन लोगों ने या दुनिया भर के लोगों ने कईयों को अपना अपना बॉस बनाया अमेरिका का बॉस बनाया अपने देश को बॉस बनाया या कोई बॉस हो भी सकता है कई उद्योग कर रहे हैं या व्यवसाय है तो बॉस और दास ये हमारे बॉस है हमारे मालिक है मैं नौकर हूँ तो ऐसे सोचने वालों वाले बेकार हो गए दे आर अनएम्प्लॉयड लेकिन हरे कृष्ण भक्त याद रखो आप किसके दास हो और आप के बॉस कौन है जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास हम हरे कृष्ण भक्त कृष्ण के नित्य दास है तो वह नित्य दास है नित्य दास है तो वह तो हरे कृष्ण भक्त अनएंप्लॉयड और बेकार होने का प्रश्न ही नहीं है यह हो सकता पहले थोड़े हम नॉट एम्प्लॉयड कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे थे लेकिन अभी तो और अधिक सेवा करने का अवसर है हमारे बॉस कृष्ण कन्हैया ला लाल की और ऐसे बढ़िया बॉस है बॉस हो तो कृष्ण जैसा वंडरफुल वंडरफुल कृष्णा, दुनिया वालों को बता दो कि वे भी ऐसे बॉस को स्वीकार करें, ऐसे बॉस के वे दास बने सर्वलोक महेश्वरम इसीलिए बॉस कहे सर्वलोक महेश्वरम मैं सारे संसार का मालिक मैं हूँ सबका मालिक हे एक है ऊपर वाला तो दुनिया को याद दिला दो और आप भी स्मरण रखो आप आप कृष्ण के कृष्ण के दास हो तो और नित्य दास हो तो अनएम्प्लॉयड और हरे कृष्ण भक्त नो क्वेश्चन प्रश्न ही नहीं है हरी हरी तो वैसे दुनिया माले जिनके नौकर चाकर बन जाते हैं कितना परिश्रम करते हैं दे वर्क लाइक डोंकीज गधे जैसा परिश्रम करते हैं अरे अरे कभी एक शिफ्ट हो गई तो फिर डबल शिफ्ट करते हैं तो हे कृष्ण क्रिश्न दासों कृष्णों के दास आप ऐसा कभी करते हो थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं हम थोड़ी थोड़ी अपने बॉस की सेवा करते हैं हमसे फिर आठ सोलह माला भी नहीं होती है कभी कभी उसमें से भी कुछ माला छूट जाती है क्यों ना हम डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट या कॉपल शिफ्ट हा? कम से कम अब तो करे जब इस कोविड नाइनटीन ने हमें एक सुअवसर प्राप्त कराया है हा? तो सोलह माला के बजाय हमने बत्तीस माला की तो हमने डबल शिफ्ट की और बत्तीस ही नहीं हमने अड़तालीस माला की तो हमारी ट्रिपल शिफ्ट हुई और सिक्सटी फोर माला की तो कॉड्रिपल कहते चार शिफ्ट की हमने तो तो दुनिया में तो सब डबल शिफ्ट का चलता रहता है डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करते रहते हैं तो क्यों न हम भगवान के लिए डबल ट्रिपल कौन शिफ्ट करें हरी हरी ऐसा करने से और आनंद हम <laughs> बाहर दुनिया में जब डबल शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है डबल धन राशि भी प्राप्त होती है तो क्या आप नहीं सोच सकते कि हम भी अगर डबल शिफ्ट करेंगे सोलह के बजाय बत्तीस माला का जब करेंगे तो हमको अधिक धन प्राप्त नहीं होगा हाँ जरूर होगा इसीलिए तो कह रहे हैं हाँ, लूट सके तो लूट हुँ? ये ही राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती ये धन है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन दिस असली वेल्थ तो यही है असली धन दिव्य धन तो यही है और ऐसा धन जिस धन का उपयोग करने से हमारी आत्मा रष्ट पुष्ट होगी और हम महात्मा बन जाएंगे और हम आनंद अम्बुधि वर्धनम होगा आनंद में वृद्धि होगी तो अधिक जब किया अधिक डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट किया तो अधिक धन हरि नाम का धन हरि नाम ही धन है और इसी के साथ हम अधिक अधिक प्रसन्न और आनंद को प्राप्त करने वाले बनने वाले हैं जो आनंद क्या, क्या फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में ऐसा भी कहा है तो जो आनंद हरे कृष्ण भक्तों को साधकों को फिर वो गृहस्थ हो सकते हैं वानप्रस्थी हो सकते हैं सन्यासी हो सकते हैं ब्रह्मचारी हो सकते हैं किसी भी वर्ण और आश्रम के हो सकते हैं अगर वे कीर्तन करेंगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम करेंगे तो आनंद ही आनंद और ऐसा आनंद अमीरी में नहीं है दुनिया भर की धनराशि कमाने में ऐसा आनंद नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है हरे नामय वकेवलम ऐसा हरे नामय वकेवलम या हरेर नामाष्ट कम में यही सारी बात है हरि नाम का महिमा गाया है कहा है तो हुआ हरी हरी <coughs> तो आज का दिन कृष्ण के नाम ऐसे हर दिन होना चाहिए हम छुट्टी के दिन ही भगवान की सेवा नहीं करते प्रतिदिन हर दिन क्षण अनुक्षण भी कहा है हमें भगवान की सेवा करनी है तो की अप्रतिहता सेवा करने के पीछे कोई भौतिक उद्देश्य नहीं हो और सेवा कैसी हो अप्रतिहता अखंड ऐसी सेवा ये सेवा के लक्षण है सेवा का भाव है तो आप आप जप करो आज थोड़ा अधिक जप करो इसी में व्यस्त रहो इसी में बिजी रहो इन? इन? ये भी बिजनेस है दिस इज द रियल बिजनेस ऑफ लाइफ भगवान की भक्ति करना ही जीव का बिजनेस है या बीज का जीव का धर्म है तो जीव अगर दास है तो दास का धर्म क्या है दास के दा, दास का धर्म है सेवा करना प्रभु की सेवा yeah, think... ये जब करना भी बिजनेस है हम बीजी रहते हैं यह होना चाहिए जब मैंने कहा था मुझे स्मरण आया बहुत साल पहले यार ऐसे मैं जब भक्त ही था आ, नया भक्त था बंबई में हरे कृष्ण लैंड यहू में तो एक एक प्रातःकाल की बात है एक हमारे जीवस सदस्य लाइफ मेंबर डाउनटाउन बंबई से हरे कृष्ण लैंड आए और हमारे अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहते थे तो वह मैं ही इस समाचार लेके गया इस लाइफ पैटर्न आजीवन अज, सदस्य का कि मेरे हमारे अध्यक्ष को मिलना चाहते तो मैं जब गया और कहा कि ऐसे ऐसे फलाने लाइफ पैटर्न मेंबर आए हैं तो, आपसे मिलना चाहते हैं तो वह उन्होंने सीधा और झट से जवाब दिया कि ने ने कि उन्होंने कहा देम आई एम बिजी तो उन्होंने मुझे कहा कि बता दो उस आजीवन सदस्य को कि मैं अभी नहीं मिल सकता मैं बिजी हूं मैं व्यस्त हूं तो तो मैंने जब सुना मेरे अध्यक्ष महोदय को कहते हुए कि आजीवन सदस्य को बता दो कि मैं बिज़ी हूँ तो मेरे मन में विचार आए मैंने उस समय उनको ऐसा विचार कहा तो नहीं अच्छा हुआ नहीं कहा कि मैं सोच रहा था यू आर नॉट बिज़ी आप बिजी कहा हो आप तो केवल जब कर रहे हो कहाँ हो बिजी आप अब व्यस्त थोड़े ही हो आप मिल सकते हो यू और नॉट बिजी ऐसे विचार मैं कर रहा था लेकिन बहुत समय के उपरांत फिर मुझे भी समझ में आने लगा मैं भी समझा जप करना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे का जप करना ध्यान पूर्वक जप करना हरी हरी तल्लीन होके जप करना एक महत्वपूर्ण व्यस्तता है वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस और बींग बीजी आई एम बीजी मतलब व्यस्त और जब कर रहे हैं मतलब कोई भक्त जब कर रहा है मतलब वो बिजी है वो व्यस्त है इज नॉट फ्री ना तो उसको खुद को कुछ बात इधर उधर किया या बात करनी चाहिए न तो उसको उस समय भगवान को पुकार रहा है या भगवान से प्रार्थना कर रहा है या हरे कृष्णा कीर्तन करना ध्यान भी है कृते ध्यायतो विष्णु सत्य में भगवान का ध्यान साधक किया करते थे ध्यान से भगवत प्राप्ति तो तो कलयुग में भी या, ध्यान तो करना ही है तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण का हम जब कर रहे हैं तो वो समय ध्यान का समय है मंत्र मेडिटेशन कहते हैं मंत्र का ध्यान कर रहे मंत्र का मनन चिंतन कर रहे हैं तो क्या ये व्यस्तता नहीं है तो कोई ध्यान ध्यान में है ध्यान कर रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हो या ध्यान का अभ्यास कर रहा है इस प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन सीरियस बिजनेस या फिर त्रेतायाम यज मखई त्रेता युग में यज्ञ से भगवान को प्रसन्न किया जाता था स्वाहा 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 वह तो यज्ञाथात कर्मा अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन हर कर्म होना चाहिए यज्ञार्थात अर्थ मतलब के लिए और यज्ञ के लिए यज्ञार्थात और यज्ञ मतलब भगवान भी है यह भगवान को यज्ञ पुरुष कहते हैं तो त्रेता युग में यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करते थे यज्ञों से लेकिन कलयुग में भी हम हमको यज्ञ करना है और वो कौन सा यज्ञ यद्न्य है यज्ञानाम जप यज्ञों सी कलयुग में हम जप जप यज्ञ करते हैं या कलयुग में न? हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं भागवत में कहाँ है? जो जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में क्या करेंगे यजंती भगवान की आराधना करेंगे कैसी आराधना करेंगे यज्ञ यज्ञ करके उसका नाम भी दिया है कौन सा यज्ञ यज्ञ संकीर्तन प्राय उस यज्ञ का नाम है संकीर्तन यज्ञ करते हुए बुद्धिमान लोग इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करेंगे भगवान की आराधना करेंगे फिर रह गई बात द्वापर युग की द्वापर युग में त्रैतायाम यजदो मखई द्वापारे परिचर्यायाम परिचर्या व्यापारिक तो युग में परिचर्या भगवान के विग्रह की आराधना के साथ या भगवान का प्रसन्न किया जाता था या भगवान का साक्षात्कार संभव था तो वह ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन या जप करना ये अर्चना भी है और वैसे तो कहा है इसीलिए कहा है हरिर्ना केवलम इसका गूढ़ अर्थ ये भी है जैसे जीव गोस्वामी प्रभुपाद समझाए हैं हरेर हरिर्नाव केवल मतलब जो नवविधा भक्तिया है नवविधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद से अर्चना मंददास आत्मनिवेदनम तो हर भक्ति के साथ हरी नाम पाद सेवनम के साथ हरी नाम फिर अर्चनम के साथ हरी नाम या अर्चना आराधना विग्रह आराधना तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आरती उतारने वाला पुजारी उसके आरती के साथ संकीर्तन न हो तो, <coughs> तो हम जब करते हैं कीर्तन करते हैं तो हम अर्चना भी करते हैं <coughs> तो वह ये सारे गंभीर व्यवसाय या ऑक्यूपेशंस या एंगेजमेंट्स सेवाएं व्यस्तताएं कोई कि नहीं कोई यज्ञ कर रहा है तो कोई ध्यान कर रहा है कोई अर्चना में तल्लीन है कोई कीर्तन कर रहा है जप कर रहा है सो दिस इज आवर बिजनेस एज स्पिरिट सोल, आत्मा के रूप में यह आत्मा का यही व्यवसाय है आत्मा की यही एंगेजमेंट है तकवादेहम पुनर्जन्म नहीं थी में थी जब होगा ये शरीर ताकने के मोर बॉडी पुनः शरीर नहीं वे मेरे धाम लौटेंगे तब वह तो, तो वहाँ लौट कर क्या करना है अरे नामयी व केवलम अरे अरे तो वहाँ या दुनिया भर के सारे व्यवसाय और एंगेजमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट ले लेके हम बैठे हैं और उसमें कई सारी इसके साथ पापाचार भी होते हैं व्यभिचार भी होते हैं दुराचार भी होते हैं अनाचार भी होते हैं भ्रष्टाचार भी होते हैं और इस प्रकार के दुराचारियों में दुराचार में हम ये संसार व्यस्त है पापाचार महापाप में व्यस्त है लोग तो मांस भक्षण में व्यस्त है और नशापान में व्यस्त है और स्त्री पुरुष गमन में या पर स्त्री पर पुरुष गमन में व्यस्त है वेरी बिजी <laughs> काम से आशक्त hmm? पापम चरती पुरुष अर्जुन ने कहा गीता में hmm? अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरती पुरुष अनिच्छन वार्षण बलाद निजिता कभी कभी ऐसा विचार तो आता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है दुराचार है ये पापाचार है ये नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य लेकिन अनिच्छन इच्छा नहीं होते हुए भी हमसे बलपूर्वक मानो कोई बलपूर्वक कार्य करवाता ही है वो कौन है वो कौन सी शक्ति है वो क्या कारण है कि हम पाप करके बैठते ही है ये गीता के तृतीय अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन संवाद में तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न पूछा तो भगवान ने कहा काम ऐश क्रोध ऐश रजोग्भव इसका कारण है बेटा अर्जुन काम ईश क्रोध ईश काम वश काम के वशीभूत हो के नो चॉइस no काम वासना <coughs> तुमसे वो कार्य करवाती है या क्रोध आता है क्रोध फिर क्रोध में क्या क्या व्यक्ति करता नहीं करता तो काम वश या क्रोध वश या लोभ वश काम क्रोध लोभ मध मात्सर्य वश मात्सर्य के कारण और क्या बच गया काम क्रोध लोभ मध मध ऐसी नशा आ जाती है संसार में तो मध वश तो ये अलग अलग षड रिपु है ये शत्रु है हमारे पूरे मानव जाति के शत्रु है दीज आर कॉमन एनिमीज़ फिर आप इंडियन हो या अमेरिकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो अफ्रीकन हो ये ही शत्रु है इंडिया को नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है और रशिया को नहीं सोचना अमेरिका इज आवर एनिमी दिस इज नॉट रियल रियलिटी वस्तु स्थिति तो ये है और जो भ्रम में नहीं है वही कह सकते हैं वही समझ सकते हैं ये कि ये शत्रु है काम क्रोध लोभ महात्मा ये शत्रु है और हमसे कार्य करवाते हैं और हमको बिजी रखते हैं वी आर वेरी बिजी वी आर बिजी वी आर बिजी तो ये इस संसार में ये संसार में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है ये सूक्ष्म शरीर में मान बुद्धि अहंकार मान बुद्धि अहंकार वाला से बना सूक्ष्म शरीर ही वैसे हमारे स्थूल शरीर को हमारे कर्मेंद्रियों को हमारे ज्ञानेंद्रियों को या कर्मेंद्रियों को कहिए व्यस्त रखता है तो कर्मेंद्रियों के पीछे मनहा ष्ठाणी इंद्रिया छठवा इंद्रिय है मन उसी के साथ बुद्धि है विनाश काले फिर विपरीत बुद्धि और अहम तो रहता ही है अहम करता अहम इति मन्यते और ईश्वरो अहम मैं ईश्वर हूँ आई एम द कंट्रोलर आई एम माय स्वामी माई बस अहम ईश्वरों हम अहम भोगी यह कृष्ण कहे हैं अर्जुन को सुना रहे हैं अगर हम भी सुन के अगर समझ सकते हैं जो आसुरी संपदा के जो लोग हैं और हम भी उसी माला के मणि थे जैस कुछ दिन या कुछ साल पहले और अब भी कुछ हद तक हम वैसे ही है वी आर इन ट्रांजिशन अभी हम साधक ही है तो ये अहम अहम जो है करता अहम है अहम भोगी अहम बलवान अहम बलवान मैं बलवान अहम सुखी मैं सुखी हूँ ये सब जो अहम अहम है ये हम संसार को व्यस्त रखता है री री। और फिर इसी अहम के तो नहीं कहेंगे उस विचार को भी तो ये व्यस्तता तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के कारण ऐसे हम व्यस्त रहते हैं इस संसार में लेकिन आत्मा की व्यस्तता तो भिन्न प्रकार की होनी चाहिए आत्मा का स्वभाव आत्मा का धर्म भगवान की सेवा ये आत्मा का धर्म भगवान की सेवा ही आत्मा का धर्म है प्रिस्क्राइब ड्यूटी लॉज ऑफ द लॉर्ड प्रभुपाद कहते धर्म क्या है धर्म है धर्म में साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म वही नियमावली है ल तो लॉज है जो भगवान ने दिए हैं भगवान ने प्रेरित किए हुए दिए हुए तो वह तो एक लॉज ऑफ लॉर्ड है वे लॉज ऑफ लैंड है एक नियमावली नीमा, भगवान ने दी हुई नियमावली जिसको धर्म कहते हैं और दूसरी नियमावली लॉज ऑफ द लैंड है तो उस लॉज ऑफ़ द लैंड के अनुसार यस yes, आप अबॉर्शन वगैरह कर सकते हो इज लीगलाइज सरकार ने तो लीगलाइज किया यस yes, यू कैन अबॉर्शन वगैरह अबॉर्शन को क्या कहते हैं गर्भ गर्भपात क्या गर्भपात इज अलाउड सो लॉ ऑफ द लैंड अलाउज बट इट इज नॉट अलाउड बाई लॉज ऑफ़ द लॉर्ड वी आर इन ट्रबल इस प्रकार संसार संसार की सरकार कई सारे संविधान और लॉज ऑफ़ द लैंड बनाते हैं और सेक्युलरिज्म बनता है सेक्युलर सेक्युलर नीड्स होती है उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार लेती है इसीलिए इसको सेक्युलर स्टेट कहते हैं सेक्युलर नीड्स मतलब आपके रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी ये सेक्युलर नीड्स है इसकी पूर्ति करना इसका व्यवस्था करना ये ये सरकार की जिम्मेदारी है आपके आत्मा आप आत्मा हो और आत्मा की क्या जरूरतें है क्या आवश्यक है आत्मा के लिए इसकी चिंता सरकार नहीं करती ये संसार नहीं करता वो तो चलता रहता अपने लॉज ऑफ़ लैंड के अनुसार तो जीव को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासु बन के भगवान के विधि विधान जो है उसका पता लगवाना होता है इसीलिए सारे शास्त्र है इसीलिए शास्त्र तो और इसीलिए आचार्य भी है जो जो उन शास्त्रों को समझाते हैं साधु शास्त्र आचार्य ये टीम है इनकी मदद से हम <coughs> पुनः अवगत हो सकते हैं जीव के धर्म को या जीव के उत्तरदायित्वों को और या जीव के जीवन के लक्ष्य को अरी अरी। तो ऐसा कार्य शिफोपाधी फाउंडर आचार्य इसका संस्थापक आचार्य द्वारा स्थापित ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस या अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ जिसका अभाव है हम कह रहे थे या वैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है इस संसार में किस बात का अभाव है किस चीज़ का अभाव है और तो कृष्ण भावना का अभाव है तो जिसका अभाव है उसकी पूर्ति करने का प्रयास एक सफल प्रयास ये अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ कर रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ जीव को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है आत्मा को सेवा दे रहा है नहीं तो इस संसार के जीव तो बेकार ही दे आर नॉट गेयरिंग दे आर लॉर्ड्स सर्विस एंगेजमेंट शरीर मान तो बिजी है एम्प्लॉयड लेकिन आत्मा को कोई एंगेजमेंट नहीं प्राप्त हो रही थी तो एनरोलमेंट जारी है ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमर संघ इस्कॉन जीवों को उनके प्रभु की सेवा दे रहा है और प्रभु की सेवा ही सेवा है और, और कितने जीव भगवान की सेवा कर सकते हैं भगवान की सेवा प्राप्त करके एम्प्लॉयड हो सकते हैं सभी जीव सभी जीवों का अधिकार है जीवों का अधिकार है भगवान की सेवा करने का आइए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण संघ में आइए या अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण संघ के केंद्रों में मंदिरों में गुरुकुल स्कूलों में या कृषि फार्मों में आइए यह आपको कभी आ, नो वैकेंसी समझते हो ऐसा साइनबोर्ड कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा हा? कि बाहर वाले जो सरकार भी है या कोई उद्योगपति भी है या, या जो भी लोग बॉसेस है कुछ सीमित लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं तो फिर जितनी आवश्यकता है उनको और जब उतने प्राप्त हुए तो फिर साइन बोर्ड लगाएंगे अभी वैकेंसी नहीं है अभी अभी जॉब यहाँ नहीं मिलेगा लेकिन ऐसी बात हरे कृष्ण भक्त कभी नहीं कहेंगे या फिर आप हरे कृष्ण भक्तों से भी मिलोगे तो वे भी नहीं कहेंगे या हरे कृष्ण मंदिर में ऐसा कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि नहीं इस ऑल द सारी पोस्ट भर चुकी है या इज नो वैकेंसी कोई रिक्त स्थान नहीं है सो आइए अब ये दुनिया वालों प्लीज कम कम बैक टू कृष्णा कृष्ण की ओर मुड़िए कृष्ण की ओर आइए <coughs> हरे कृष्ण भक्तों से मिलिए हरे कृष्ण भक्त साधु है उनका संग प्राप्त कीजिए साधु संग साधु संग सर्व शास्त्रे कौ लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय अब यू विल अटेन परफेक्शन सिद्ध होंगे आप और यू विल बी जॉयफुल एंड हैप्पी फॉर एवर या इसीलिए हम कहते भी है चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी तो सारा संसार जब कर सकता है या सारा संसार गीता भागवत पढ़ सकता है पढ़ा सकता है सारा संसार कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर सकता है ऐसे कई सारी सेवाएं हैं और ऐसी सेवा में बैस्त रह के जीव ये जीव कृष्णदास ऐ विश्वास कर लो तो और दुख होना है ऐसा तो करने से अत्यंतिक दुख ऐसा कहा अत्यंत दुख से हम मुक्त हो सकते हैं सभी दुखों से मुक्त आदि दैविक या आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख या त्रिताप या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से हम सदा के लिए मुक्त होंगे कोरोना वायरस या और कोई वायरस हमें कभी छू नहीं पाएगा परेशान नहीं कर पाएगा हम इसके परे पहुंच जाएंगे हँखे okay, तो आज का इस माधवती तिथि भक्ति जननी यह हरिवासर भी कहा जा, जाता है एकादशी को हरिवासर हरि का दिन या माधव की तिथि जो भक्ति की जननी है तो आज का दिन कृष्ण के नाम आज की प्रातः आज का मध्याह्न आज का सायंकाल आज की सायंकाल आज की शाम भी भगवान के नाम अब नाइस डे शुभ दिन शुभेच्छा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे